बधाई हो सुरेश, फिर से बाप बन रहे हो। और हाँ, बहू की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ना। भैया, आपने और भाभी ने अपने तीन बच्चों के साथ साथ हमें भी कभी माँ बहू जी की कमी महसूस नहीं होने दी। भाभी, आपका साथ और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। कब जा रही हो डॉक्टर के पास? डिलीवरी के साथ साथ परिवार नियोजन के उपायों के बारे में कुछ सोचा? हाँ दीदी, पिछली बार इनसे इस बारे में बात तो हुई, लेकिन अभी तक हमने कुछ फैसला नहीं लिया है। देखो लतिका, तुम डिलीवरी के वक्त महिला नसबंदी चुन सकती हो, लेकिन इसके बारे में डिलीवरी से कई दिन पहले तय कर लेना चाहिए। सुरेश भैया, इस खुशी के मौके पर उषा बहन बहू को क्या सिखा पढ़ा रही थी? भैया वो भैया वो बता रही थी कि बच्चे और परिवार के भविष्य के लिए क्या करना ठीक रहेगा। सही गलत हम खुद समझ लेंगे, और जो चल रहे हैं उसे चलने दो। भैया। अरे समीरा, कैसी हो? ठीक हूँ। भाभी, क्या बात है भाभी? जैसे जैसे महीने बीत रहे आपके चेहरे का निखार तो बढ़ता ही जा रहा है। रहने दे, कल तो आई नहीं और आज भाभी को मक्खन लगा रही है। आप तो सब जानती है ना भाभी, एक तो ये नर्स की ट्रेनिंग, ऊपर से मेरे एग्जाम्स। खैर जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। भाभी क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? भाभी इस बच्चे के आने के बाद हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने और लतिका ने फैसला किया है कि लतिका डिलीवरी के समय ही अपनी नसबंदी करवा लेगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भैया को कैसे समझाए। तुमने और लतिका ने बिल्कुल सही फैसला किया है, तुम बस लतिका को संभालो। जानती है समीरा, तू साथ रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? पहले अपने सारे सवालों को एक कागज पे लिखिए, और वो सारे सवाल लिखिए जो कल आपको डॉक्टर से पूछने हैं। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे हम घर का हिसाब किताब लिख के रखते हैं? बिल्कुल वैसे ही भाभी। ये तूने सही कहा समीरा, मैं यही करूँगी। अरे वाह, आप तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं। उषा दीदी कह रही थी डिलीवरी के एक महीने बाद महिला फिर से गर्भवती हो सकती है, भले ही वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही हो। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। बच्चे को माँ का दूध पिलाना तभी गर्भ निरोधक हो सकता है जब ये तीन बातें ध्यान में रखी जाएं। पहली, माँ की महावारी दोबारा शुरू ना हुई हो। दूसरी, माँ अपने बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद दूध पिलाए। और तीसरी, बच्चा 6 महीने से बड़ा ना हो। पर ज़्यादातर महिलाएं इन बातों का ख्याल नहीं रखती, उन्हें तो पता भी नहीं चलता कि वे गर्भवती हो गई हैं। इसीलिए परिवार नियोजन का कोई पक्का साधन डिलीवरी के समय अपनाने में ही समझदारी है। तो हम जैसे दंपत्ति जो और बच्चे नहीं चाहते, वो क्या कर सकते हैं? डिलीवरी के बाद दंपति परिवार नियोजन के कई उपायों में से कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं जो दूध पिलाती माओं के लिए भी सुरक्षित है, जैसे कि कॉन्डम, IUCD, महिला एवं पुरुष नसबंदी। जी, मैं महिला नसबंदी के बारे में और जानना चाहती हूँ। मैंने सुना है ये डिलीवरी के समय भी करवाई जा सकती है। हाँ, डिलीवरी के तुरंत बाद या 1 हफ्ते के अंदर ये करवाई जा सकती है, चाहे बच्चा ऑपरेशन से हो या फिर नॉर्मल। डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद अगर नसबंदी नहीं कराई गई है तो फिर 6 हफ्ते बाद आप इसे करवा सकती हैं, क्योंकि एक बार अस्पताल से घर चले जाने के बाद दोबारा अस्पताल आने का मौका आसानी से नहीं मिल पाता। इसीलिए भलाई इसी में है कि इसे डिलीवरी के वक्त ही करवा लिया जाए। तो क्या लतिका को ऑपरेशन के बाद काफ़ी वक्त लगेगा? नहीं, डिलीवरी के समय ही नसबंदी कराना आसान है।
क्योंकि थोड़े ही समय के अंतर में दोनों किए जा सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा चीरा लगाया जाता है और महिला को इसके लिए अलग से अस्पताल आने या वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सरकार तो नसबंदी कराने के बाद 600 रुपये भी देती है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। हम अपना निर्णय आपको कब तक बता सकते हैं? आप दोनों आपस में बात करने के लिए वक्त लीजिए, लेकिन निर्णय आपको डिलीवरी से एक दो हफ्ते पहले ही लेना होगा, क्योंकि उस वक्त आप दर्द में होंगी और कागजी कार्रवाई नहीं हो सकेगी, इसीलिए सही समय यही है। शुक्रिया डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भैया, डॉक्टर ने भी डिलीवरी के समय लतिका की नसबंदी करने का फैसला किया। मैंने तुमसे इस ऑपरेशन से दूर रहने को कहा था ना, समझ में नहीं आया? और सुरेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये ऑपरेशन हम जैसे परिवार के लोगों के लिए नहीं होता। भैया, ये ऑपरेशन और नई तकनीकें हम जैसे परिवार वालों के लिए ही है। आज हर घर में मोबाइल है, टीवी है, लेकिन भैया हम इन्हें इस्तेमाल करने से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल करके हम तरक्की करेंगे। ये ऑपरेशन भी हमारी तरक्की का ही एक रास्ता है। इससे हमारी फैमिली और मजबूत हो जाएगी। भैया, बधाई हो आपको, तो डबल बधाई। डबल बधाई? पहली बधाई बच्ची के लिए और दूसरी बधाई बच्ची का भविष्य सुरक्षित करने के लिए। बस बो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के सपने को समझ नहीं पाया, उसे बिना समझे रोका। भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई नहीं, डबल बधाई। माँ, बाबूजी, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इस परिवार की बागडोर इन समझदार बच्चों के हाथों में सौंप रहा हूं, क्योंकि इनके पास है परिवार की असली तरक्की का प्लान। और आपके पास? जिस तरह सुरेश और लतिका ने अपने परिवार का ख्याल रखा है, भविष्य में मैं भी अपने परिवार का उसी तरह ख्याल रखूंगा। सुरेश और लतिका अपने परिवार के भविष्य के बारे में डॉक्टर के पास जो जानने के लिए जाते हैं, ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से सुरेश और लतिका अपने परिवार के खुशी के लिए जो कदम उठाते हैं, आज से हम भी अपने परिवार के खुशी के लिए ऐसा ही कदम उठाएंगे। पिक्चर में मुझे समीरा बहुत अच्छी लगी, जो परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचती है। मुझे समीरा बहुत अच्छी लगी। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। जो भी जाएगा इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख के आएगा।